नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं टेक्निकल आर्किटेक्ट चैनल को। तो आज का टॉपिक है मोबाइल में जो एमआई अकाउंट से लॉक हुआ होता है, जैसे आपका एमआई मोबाइल है वो लॉक हो चुका है, बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है, तो उसको इजी से आसान तरीके से हम उसको अनलॉक कैसे करें। आप जब वो मोबाइल को आप शॉप पे लेके जाते हैं, वहां बोलते हैं कि सॉफ्टवेयर मारना पड़ेगा और कुछ फिर प्रोसेस रहता है वो करना पड़ेगा। मैं आज इस वीडियो में आपको चुटकियों में उसको निकालना सिखाऊंगा, तो चलिए इस वीडियो में बने रहिए मेरे साथ। आपको अच्छे से समझा सकूं इसलिए मैंने स्क्रीन को रोटेट कर लिया है। जो अभी आप देख सकते हैं इस तरह का एमआई मोबाइल में इंटरफेस दिखेगा जब ये लॉक होता है। एक्टिव दिस डिवाइस एंड ओपन वाईफाई सेटिंग। पहले तो आप ओपन वाईफाई सेटिंग में जाकर वाईफाई ऑन करके लीजिए और आपके नियरेस्ट जो भी वाईफाई है या हॉटस्पॉट ऑन करके लिया है उसको आप पहले कनेक्ट कर लीजिए। अभी जो मैं मोबाइल में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यानी कि वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उसी मोबाइल में मैं हॉटस्पॉट ऑन करके लेता हूँ। तो अभी चलिए मैं कनेक्ट करता हूँ। तो दोस्तों, उस मोबाइल में मैंने अभी वाईफाई ऑन करके हॉटस्पॉट कनेक्ट कर लिया। अभी देखिए ऊपर का ऑप्शन, आपको एक्टिव दिस डिवाइस पे क्लिक करना है। उसके बाद इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। आपको नीचे आपको अनलॉक हेल्प जो ऑप्शन है, यहाँ आपको सही सही लिखा है कि आपको इस वेबसाइट में जाना है। इस वेबसाइट में जाके आप इस तरह से आप निकाल सकते हो अपना मोबाइल नंबर वगैरह डाल के। तो आप नीचे पढ़ सकते हो, स्टे कनेक्टेड इन द नेटवर्क मेक श्योर, तो वाईफाई पहले कनेक्ट करना है, फॉरगेट पासवर्ड मारना है। तो आपको देखिए यहाँ आप गो टू id.mi.com पे आपको चले जाना है। तो चलिए दोस्तों हम उस वेबसाइट में चले जाते हैं। जैसे कि मैंने बोला दोस्तों, id.mi.com मारने के बाद, मैंने सर्च बटन मारने के बाद, देखिए यहाँ आपको एंटर ईमेल नंबर, नहीं तो आपके पास जो भी फ़ोन नंबर रहता है आपको उसको डालना पड़ता है। तो चलिए मैं अभी डालता हूँ मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मारने के बाद दोस्तों अभी आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आई एम नॉट ए रोबोट बोल के उसके ऊपर क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपके पास जो भी फ़ोन नंबर आपने दूसरा सिम यूज़ कर रहे थे ना, तो आप वहाँ से आप उसको कोड को लेना है। अगर आपके मोबाइल में सिम था वो, मतलब अभी मोबाइल ऑफ हुआ, तो उस सिम को आप दूसरे मोबाइल में डाल के आप उस कोड को रिसीव कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं फाइनली मैंने कोड को रिसीव कर लिया है। अब मैं टाइप करूँगा जहाँ मेरे को मुझे कोड को अप्लाई करना था। तो 142497 मेरा कोड है, तो मैं सबमिट कर चुका हूँ। सबमिट करने के बाद दोस्तों अभी देखिए रीसेट योर अकाउंट पासवर्ड। तो आप लास्ट स्टेप में हो, जो भी आपको मनपसंद होता है वो आप पासवर्ड रख सकते हैं। तो आप पासवर्ड मस्ट बी 8 to 16 कैरेक्टर एंड इंक्लूड द बोथ नंबर ऑफ लेटर्स। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट रहना चाहिए पासवर्ड बस। तो आप देख सकते हैं चेंज पासवर्ड सक्सेसफुली। तो इस पासवर्ड को आप अपने मोबाइल में सेम डालना है, साइन टू योर एमआई अकाउंट। तो अभी मैं चला जाता हूँ उस वाले मोबाइल से, मैं अभी कैमरा से वो मोबाइल, वो दूसरा वाला मोबाइल को मैं लॉगिन करके आपको दिखा दूंगा। जो भी मैंने पासवर्ड चुना था उस पासवर्ड को सेम मैंने डालने के बाद मुझे इस तरह का इंटरफेस दिखाई दे रहा है। तो देखिए मेरा मोबाइल अभी खुल चुका है आसानी से। तो आपको जैसे नया सॉफ्टवेयर होने के बाद, नया मोबाइल आप जब लेते हैं ना, जैसे ऑप्शन आते हैं भाषा लैंग्वेज वगैरह चुनना है, आपको कंट्री चुनना है, चूज योर रीजन, तो ऐसा ऑप्शन आपको आएगा। तो मैं आप इस मोबाइल में अभी फ़िलहाल मैं सभी आपको करके दिखाऊंगा, क्योंकि आपको भरोसा हो जाए कि ये मोबाइल लास्ट में खुल गया, मतलब आप यूज़ करने, मोबाइल यूज़ करने के लायक हो गया है। तो टर्म्स एंड कंडीशन आपको अलाउ करना है, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, आपको सिम इंसर्ट करना है, लेकिन मैं अभी बाद में फ़िलहाल करूँगा, फर्स्ट मैं मोबाइल स्टार्ट करने की कोशिश करूँगा। तो उसके बाद चेकिंग फॉर अपडेट्स आया है। तो आपको अगर आपका डाटा चाहिए, बैकअप वगैरह चाहिए तो ठीक है, नहीं तो आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल आगे बढ़ रहा हूँ, डोंट कॉपी। तो उसके बाद मुझे चेकिंग इंफॉर्मेशन ऑप्शन आ गया। आपको मेन इम्पॉर्टेंट, आपका पैटर्न
आपको याद रहना चाहिए पुराना जो पैटर्न आपने डाला था, वरना आपका EMI अकाउंट नहीं खुलेगा, क्योंकि EMI अकाउंट की तरफ से आप सेफ हो गए, लेकिन पैटर्न नहीं है तो आप मोबाइल ओपन नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेफ्टी पर्पस। तो आप सोच रहे होंगे मैंने थंबनेल में 1 मिनट बोल के उसमें टाइम डाला है। जी हाँ, मैंने डाला था सिर्फ EMI अकाउंट को लॉक को ओपन करने के लिए। लॉक तो ओपन हो गया EMI अकाउंट, अभी जो है ये फ़ोन का मैटर है, फ़ोन जब अपडेट कब तक होगा, ये स्टार्ट कब तक होगा, लोडिंग कब तक लेगा, आपको बैकअप चाहिए नहीं चाहिए, आपको लैंग्वेज कौन सा चाहिए, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर भी मैं दिखा रहा हूँ कि अगर आपको कुछ दिक्कत होती है तो आप आराम से इस तरीके से कर सकते हैं, और सेट पासवर्ड पैटर्न वगैरह आप रख सकते हैं, पुराना रखिए, पुराना आप ड्रॉ करके आप ओपन कर सकते हैं। बाद फिर बाद में आपको लास्ट में जो पूछेगा सेट पासवर्ड पैटर्न पिन और फिंगरप्रिंट्स है तो फिंगरप्रिंट्स में पूछेगा, आपको जो भी ऑप्शन चाहिए आप क्लिक करके आप अप्लाई करके आप यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए, मैं तो पैटर्न यूज़ करता हूँ ज़्यादा, तो पैटर्न डाल के मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके बाद आपको नेक्स्ट करने के बाद एडिशनल सेटिंग का ऑप्शन आता है, वहाँ आप नेक्स्ट जाने के बाद आपको चूज़ ए थीम आता है, थीम जो आपके हिसाब से रिक्वायरमेंट है वो आप क्लिक कर सकते हैं। देखिए, पूरी तरीके से मोबाइल ओपन हो चुका है। तो दोस्तों, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।